हेलो किड्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर फिट, फाइन, सेफ एंड हेल्दी। तो किड्स, आज हम करेंगे जनरल नॉलेज चैप्टर नंबर 35। एंड आपको पता है चैप्टर 35 क्या है? सिमिलर टू चैप्टर नंबर 34। चैप्टर 35 में है राइम्स वन एंड चैप्टर 34 में था स्टोरी टाइम। जैसे उसमें हमने करा था स्टोरी रिकॉग्निशन किया था कि लाइक हमें स्टोरी टाइम में स्टोरी को रिकॉग्नाइज करना था, पिक्चर देख के हमें रिकॉग्नाइज करना था कि वो कौन सी स्टोरी हो सकती है। सेम आज हमें राइम्स करना है। राइम्स तो हम करते आ रहे हैं जब हम बहुत छोटे छोटे से बच्चे थे, तो हम शायद पहचान भी जाए। यूटिलिटी बॉक्स तो है हमारी हेल्थ के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। पहले ऐसा करते हैं, हम यूटिलिटी बॉक्स को रीड ही कर लेते हैं ताकि हमें पिक्चर देख के थोड़ा लग जाए आइडिया कि वो कौन सी राइम हो सकती है। सो फर्स्ट राइम नेम इज हिकरी डिकरी डॉक, देन इज हम्प्टी डम्प्टी, देन इज थ्री ब्लाइंड माइस, जैक एंड जिल, लिटिल मिस मफिट, मैरी हैड अ लिटिल लैम। अब ये सारी पोएम्स जो है, सारी राइम्स हैं, ये बहुत कॉमन है, ये हमने ऑलरेडी लर्न की हुई है। सो ये हमें बहुत ईजी हो जाएगा इसको फाइंड आउट करना। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। तो आप ये समझ गए होंगे ये कौन सी वाली है। देखो, थ्री ब्लाइंड माइस, माइस है ना, तो हम यहीं से रिकॉग्नाइज कर गए कि इस राइम का नेम है बेटा थ्री ब्लाइंड माइस। डन। नेक्स्ट इज, अब देखो ये आपको दिख रहा है ये क्या है, लैम, और ये एक लेडी है, इसका नेम है मैरी, तो इस राइम का नेम है मैरी हैड अ लिटिल लैम। मैरी, एम ए डबल आर वाई, मैरी हैड अ लिटिल लैम। मैरी हैड अ लिटिल लैम। डन। मूविंग ऑन टू द थर्ड वन। थर्ड वन में हमें पता लग रहा है ये दो शरारती बच्चे हैं, एंड इन राइम का नेम है, मैम को तो याद आ गया बिकॉज दो शरारती बच्चे जो थे उनका नेम था जैक एंड जिल। ये बहुत इजी चैप्टर है। नेक्स्ट इज लास्ट, नेक्स्ट, या दिस इज हम्प्टी डम्प्टी। अब देखो मैम को तो पिक्चर देख के एकदम से याद आ रहा है सब कुछ, तो क्या आपको याद आया हम्प्टी डम्प्टी? नेक्स्ट इज, अब इसमें क्या है, एक गर्ल है एंड वो गिर गई, तो ये गर्ल जो मुझे लग रही है वो लग रहा है ओह माय गॉड स्पाइडर देख के डर गई, तो इस मैम को जो राइम का नेम लग रहा है दैट इज लिटिल मिस मफेट। लिटिल मिस मफेट। डन। नेक्स्ट, अरे ये भी सबने कर रखी है पोएम लर्न, हिकरी डिकरी टॉक। हिकरी डिकरी टॉक, आगे इतना इजी सब चैप्टर होता है हमारा फिनिश। तो ये बहुत इजी चैप्टर था, ये भी आपको बेटा दोनों पैटर्न से आ सकता है, ये आपको कहा जा सकता है राइट द नेम ऑफ फाइव फेमस राइम्स, ठीक है। अदरवाइज आपको कहा जा सकता है कि आप अपनी पिक्चर रिकॉग्नाइज करो एंड आपको बताना है कि ये कौन सी राइम है, ठीक है। सो यू हैव टू कंप्लीट दिस वर्क इन योर बुक एंड मैम विल चेक इट। होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड एंड होप यू ऑल हैव एंजॉयड द क्लास। बाय बाय, थैंक यू।